180 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है। अजय मोदी आश्चर्य। जी हां, चुनाव प्रचार लगातार जोरों पर है और बाकी बचे चरणों के चुनाव से पहले जो बातें कही जा रही हैं उन पर जरा गौर किया आपने? चार चरण के मतदान के बाद मोदी को बहुमत मिल गया, ये दावा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पीएम नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद। 2024 के चुनाव में अब तक चार चरणों में 381 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को वोट पड़ने। अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है लेकिन बहुमत के दावे अभी से ही किए जाने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के बनगांव में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 4 चरणों में ही उनकी सरकार को बहुमत मिल गया है, अब लड़ाई 400 पार की है। बड़ी खबर यही है, अमित शाह को जवाब अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दे दिया है। उन्होंने तो दावा यह किया कि इस बार केंद्र में बीजेपी की नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनने जा रही है। और कुछ ऐसा ही दावा राहुल गांधी ने भी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 150 सीट मिल रही है और इन्हीं दावों का आधार आखिर है क्या? जिस तरीके से समीर बड़े दावे किए जा रहे हैं उसी के तहत पहली बड़ी खबर अब समीर। जी हाँ, पहली अहम खबर लोकसभा चुनाव पर अमित शाह का बयान, इसी से करते हैं शुरुआत। के बहुत बड़ा बयान है, 4 चरणों में मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। मोदी जी ने 270 सीटें लेकर बहुमत प्राप्त किया 4 चरणों की वोटिंग के बाद। गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान, कह रहे हैं आगे की लड़ाई 400 सीटें पार करने की रह गई। गांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? गृह मंत्री को आपने सुना, अब अमित शाह के दावे पर ममता दीदी का जवाब। दिल्ली में मोदी नहीं आ रहे, उन्हें 190 से 195 सीट मिलेंगी। इंडिया 315 का आंकड़ा पार करेगा। दिल्ली तो मोदी नय, दीदी जेटा करबे सेटा होच्छे इंडिया जोटके ओखाने क्षमता एने देबे। आमरा एखान थेके हेल्प करब, আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে ইন্ডিয়া জোটই জিতবে। কালকে পর্যন্ত আমাদের কাছে যা হিসেব আছে তাতে ওরা বড় জোর 190 থেকে 195, আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে 3-4 পার্টি বাদ দিয়ে। এখনো কাজেই মোদী আসছে না। तो आपने सुना टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को। इससे पहले राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि पीएम मोदी पहले 400 सीटों की बात करते थे लेकिन अब 150 भी नहीं बोल रहे। राहुल गांधी ने सीटों के आंकड़े को लेकर क्या कहा, सुनिए। पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार, अब 150 भी नहीं बोल रहे। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा।